स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल टेक्निकल एसके एक्सपर्ट पे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रोफेशनल तरीके से स्लो मोशन वीडियोस कैसे बना सकते हो। चाहे तो दोस्तों आप फास्ट भी बना सकते हो और स्लो मोशन भी बना सकते हो। दोस्तों प्रोफेशनल तरीके से दोस्तों वीडियो एडिट करने के लिए इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूंगा दोस्तों कि कैसे आप स्लो मोशन दोस्तों वीडियो को एडिट कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप टिकटॉक यूजर्स हो, टिकटॉक पर वीडियो बनाते हो, तो दोस्तों ये वीडियो आपको पूरा लास्ट तक देखना है, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास और जबरदस्त होने वाला है। मैं आज आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आप स्लो मोशन वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एसके एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद में दोस्तों आपको एक बात और जरूरी ध्यान रखना है कि दोस्तों सबसे पहले आप लोग जरूरत पड़ेगा दोस्तों काइन मास्टर एप्लीकेशन को। तो दोस्तों काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों लिंक मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको वीडियो शूट कर लेना है कुछ इस तरह से। दोस्तों आप अपना वीडियो कहीं भी शूट कर सकते हैं, पार्क में, घर में, ग्राउंड में, लेकिन दोस्तों आप जैसे भी दोस्तों वीडियो शूट कर लेंगे कर लीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को स्लो मोशन वीडियो बनाने के लिए काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में आप ओपन कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया, सिंपली आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से फिर से दोस्तों प्लस के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा और दोस्तों 9.16 का जो साइज है दोस्तों ये वाला सेलेक्ट कर लेना है आपको। इस साइज को सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों मीडिया के ऑप्शन पर चले आना है और दोस्तों आपको वो वीडियो सेलेक्ट कर लेना है जिस वीडियो से दोस्तों आप टिकटॉक यानी कि टिकटॉक की वीडियो बनाना चाहते हो या स्लो मोशन वीडियो बनाना चाहते हो, उस वीडियो को दोस्तों आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से दोस्तों मैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इससे पहले दोस्तों मैं इसका वॉइस को बंद कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसका वॉइस को दोस्तों मैं बंद कर देता हूँ। अब बंद करने के बाद में दोस्तों आप भी अपना वॉइस बंद कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार मैं प्ले करके दिखा देता हूँ कि यह दोस्तों वीडियो कैसा चलता है, तो कैसा दिखता है दोस्तों। कुछ इस प्रकार से आपको ये वीडियो दिखेगा। सो फ्रेंड्स, अब इसको हमें स्लो मोशन बनाना है। एक ध्यान रखने की बात यह है दोस्तों, कभी भी जब हम वीडियो बनाते हैं तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों बाइक साइड में यानी कि इधर या दोस्तों इस साइड में यहाँ पर दोस्तों कहीं भी दोस्तों हमारा एक्स्ट्रा पार्ट यानी कोई चीज़ खराब हो जाता है जिसे दोस्तों हमें काटना होता है। तो दोस्तों काटने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, जहाँ पर आपको काटना है यहाँ से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कैंची का निशान, इस पर क्लिक कीजिए कैंची पे। और दोस्तों अगर आपको राइट साइड का काटना है तो ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर लेफ्ट साइड का काटना है दोस्तों ये इस वाले पे क्लिक कीजिए। तो मैं राइट साइड का काटना चाहता हूँ तो ट्रिम टू राइट वाले पे क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों कट गया। अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको स्लो मोशन में हम कैसे बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को स्लो मोशन वीडियो बनाने के लिए क्या करना है, वीडियो को यहाँ पर दोस्तों स्लाइड कर लेना है, ऐसे कर लेना है। जहाँ से दोस्तों आपको स्लो मोशन वीडियो बनाना है वहाँ तक आपको ले जाना है, ऐसे करके खींच के ऐसे करके ले जाइए। यहां से दोस्तों क्लिक करने के बाद में कैंची के निशान पर क्लिक कर दीजिए। यहां से दोस्तों स्प्लिट एट प्लेहेड पर क्लिक कर दीजिए, यहां से दोस्तों कट जाएगा वो पार्ट। अब दोस्तों आप चाहते हैं कितना दूर तक यानी कितना देर तक स्लो मोशन वीडियो रखना, तो यहां से दोस्तों मैं क्लिक कर देता हूं यहां तक मैं अपना स्लो मोशन वीडियो रखना चाहता हूं। क्लिक करके फिर से कैंची के निशान पर क्लिक करके दोस्तों अगर आप चाहते हो कम करना तो दोस्तों इसे कम करके स्प्लिट टू प्लेहेड फिर से ऐसे क्लिक कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, इस तरह से दोस्तों आपका वीडियो बन जाएगा। यहां से दोस्तों बनने के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, इसको स्लो मोशन में कन्वर्ट करना है। तो स्लो मोशन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाए स्पीड का, इस स्पीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से दोस्तों स्पीड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर 1x 4x लिखा हुआ आ रहा है और 8x, तो 1x पे क्लिक कर देना है पहले दोस्तों। 1x पे जैसे आप क्लिक कर दोगे तो ये दोस्तों 1x है, यहाँ पर 0.5x पे ले जाना है या दोस्तों 0.25 इसके बीच में रख लेना है। ये दोस्तों ये वाला जो पार्ट है दोस्तों बिल्कुल अब बन चुका है स्लो मोशन, ध्यान रख लिए। फिर से क्लिक कीजिएगा, आपको ध्यान दे के जाता हूँ, इस पर क्लिक करिएगा, स्पीड के ऑप्शन पर आइएगा, 1x पे क्लिक करना है 1x पे। यहाँ से दोस्तों आपको इस वीडियो को यानी कि 0.5 जो भी है दोस्तों यहाँ पे 0.25 जितना भी स्लो करना चाहते कर लीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कितना स्लो मोशन ये वीडियो बन चुका है। दोस्तों ये स्लो मोशन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ से मैं इसको फास्ट करके दिखाऊंगा, फास्ट मोशन भी। तो स्पीड के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, 4x पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ से दोस्तों आप अपने वीडियो को दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से दोस्तों यहाँ से स्लाइड करके आप इसको फास्ट कर सकते हैं, ऐसे करके जितना भी दोस्तों आप कम करेंगे इतना दोस्तों ये फास्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से दोस्तों आप इसे फास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बार ये फास्ट मोशन भी वीडियो आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देख सकते हैं ये
स्लो है और ये दोस्तों फास्ट मोशन वीडियो है, ठीक है। तो दोस्तों ये इसी तरह से दोस्तों आप इसको और भी फास्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 4x पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप चाहते हो कि आपका वीडियो और फास्ट हो जाए तो दोस्तों सिंपली यहाँ पर दोस्तों क्लिक कीजिए 4x पे और दोस्तों इसको और भी फास्ट आप कर सकते हैं अपने हिसाब, जितना भी दोस्तों करना चाहते हैं आप दोस्तों कर सकते हैं अपने वीडियो को फास्ट। देख सकते हैं स्पीड पर क्लिक करने के बाद में 4x पे क्लिक कीजिए और दोस्तों यहाँ से दोस्त इसको इतना स्पीड करना चाहते हैं ज़्यादा तो 2.x पे रख लीजिए, ज़्यादा करना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत दोस्तों फास्ट ये हो सकता है। और यहाँ से दोस्तों फास्ट होने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं, एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ, जितना आप फास्ट करना चाहते हो दोस्तों उतना स्लो फास्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो मेरा रेडी हो चुका है। यहाँ से दोस्तों वीडियो रेडी होने के बाद में दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों इसको गैलरी में अपने एक्सपोर्ट करके सेव कर लेना है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।